नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के जगाधरी की एक कॉलोनी से। और आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से चोरी की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप सभी को जानकारी दे दें कि रोपड़ एक परिवार जो है शादी में गया था, जिसके बाद साइड वाले भाई ने बताया कि तुम्हारे ताले टूटे हुए हैं। और मौके पर जो है आसपास के लोगों को इकट्ठा किया गया, FSL की टीम पहुंच चुकी है, मौके पर थाना प्रभारी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ मौके पर वार्ड नंबर के पार्षद भी पहुंच चुके हैं। आप सभी से अनुरोध, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मौके पर FSL की टीम जो है जांच करती हुई नजर आ रही है। वहां पर जो है सामान आप लोग देख सकते हैं कि खंदेड़ा हुआ है, बेड पर सारा सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मौके पर FSL की जो टीम है वहां से सबूत इकट्ठा करती हुई नजर आ रही है। वहां पर फिंगरप्रिंट्स बताए जा रहे थे कि फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ज्वेलरी के बॉक्सेस जो पड़े हैं वो बिल्कुल खाली है। वहां पर जो गुल्लक है वो तोड़ दी गई है और फोटो इम्प्रिंट्स लेने की, फिंगरप्रिंट्स लेने की जो FSL की टीम है वो पूरी यहां पर जानकारी लेती हुई नजर आ रही है। मौके पर जो है थाना बुढ़िया से भी कर्मचारी पहुंच चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि छोटी सी इनकी दुकान थी और साथ ही साथ समोसे बनाने का ये काम किया करते थे। काफी पुराने हलवाई हैं, जगाधरी में माना हुआ नाम है इनका। और रोपड़ जो है ब्याह में गए थे, शादी में गए थे, जिसके बाद सुबह 5:30 बजे जब साइड वाले भैया ने इनके घर के दरवाजे टूटे देखे तो आनन फानन में आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और फिर देखा तो अंदर जो है मंजर कुछ अलग था कि सारा सामान तहस नहस हुआ हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है। जिसके बाद मौके पर FSL की टीम पहुंच चुकी है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे परिवार वालों से, क्या कुछ उनका कहना है। मौके पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा था कि बाहर मेन गेट पर भी ताला लगा था, जिस ताले से उन्होंने जो है थोड़ा, ये बताया जा रहा है ये पाना जो है, पाना इसे कहा जाता है, जिसके स्क्रू ड्राइवर जिसे हम लोग कह सकते हैं, कि ये फंसा के जो है बताया ये जा रहा था कि ताला तोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसको इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस अफसर देखते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिए। ताला जो यहाँ पर टूटा हुआ है, एसी जो है सेकंड दरवाजे पर लगा हुआ था, यानी कि मेन एंट्रेंस के अगले वाले दरवाजे पर लगा हुआ था, जिसको जो है फॉरेंसिक्स के लिए जांच के लिए भी लेकर जाया जाएगा, कुछ सैंपल्स इकट्ठे करेंगे। ये मेन गेट से जो है ताला लिया गया। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है हाल शहर के बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को जानकारी दे दें कि जीवन भर की पूंजी होती है लोग अपने घरों में संजो कर रखते हैं, चाहे बेटी की शादी करनी हो, चाहे जो कोई भी काम करना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ये बिखरा हुआ सामान देखते हैं तो इसी तरह ये व्यक्ति जो है अपने घर में भी बिखरा हुआ सामान देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनके भी होश उड़ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लॉक कर तोड़ दिए गए हैं, मंदिर तक को नहीं बख्शा गया है। आप सभी को बता दें, हलवाई का काम करते थे, रोपड़ शादी में गए थे, जिसके बाद जो घर का सामान है वो तहस नहस और लॉकर टूटे हुए नजर आते हैं। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है जगाधरी के जोगीपुरा कॉलोनी में, जहां पर जो है ये घटना सामने आई है। पड़ोस से फोन आया हमारे पास, भी आपके सारे घर के ताले टूटे हुए हैं, और जब उन्होंने अंदर आके देखा तो सब कुछ बिखरा हुआ था। फिर हम करीब 8 बजे हम यहाँ पहुँचे, 8 बजे फिर हमने पहुँच के सारा देखा, फिर हमने कंप्लेन वगैरह दी चौकी में, सब कुछ दी। अब FSL की टीम आके चेकिंग वगैरह सब कुछ करके गई है। तो क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से ताला बाहर कौन सा लगा हुआ था, किस तरीके से तोड़ा उन्होंने? बाहर वाला लॉक था और जो मेन अंदर वाला सेंटर लॉक होता है उसका एक, मतलब एक दो पॉइंट पे था वो सारा तोड़ के अंदर बढ़े। फिर एक लकड़ का दरवाजा था उसका भी था लोग, उसको भी तोड़ के अंदर बढ़ गए। मतलब कि चौल बिल्कुल नाकाम है, ऐसे ही घूमे जा रहे हैं, बुरे हाल हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहली बार जो है चोरी हुई है इस मोहल्ले में, ये भी बहुत बुरा हाल हो गया, पता नहीं क्या ही हो रहा है। स्मैक ही लग रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, टुच्चे नशे करने वाले लोग। क्या कोई कैमरे गली में लगे हुए थे आपके? हमारी गली में तो नहीं, आगे हैं तो उनमें भी कुछ तस्वीरें जाहिर हो पाएंगी कुछ? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं हुई, अभी तो नहीं हुआ कुछ। अच्छा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं FSL की टीम ने, जो पूरी छानबीन करी है, उससे क्या क्या संतुष्ट हैं थोड़े बहुत आप? देखते हैं जैसा वो बताते हैं, बाकी
तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि मौके पर जो है FSL की टीम पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं जो है हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्राइम सिटी में यमुनानगर और जगाधरी दोनों तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ उनकी मदर मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ उनका कहना है? इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करा था, इसको MSc करवानी थी, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करा था, मेरी बेटी है उसकी शादी के लिए जोड़ा था मैंने अपना जेवर, बस सब कुछ ख़त्म हो गया बेटा, सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं कह सकती आप मुझे को आंटी 10 रुपये दो, मैं 10 रुपये निकाल के दूँ। मैंने अपने भगवान जी के लिए, कोई भी लेडीज़ होती है महीने की तनख्वाह आती है भगवान जी के नाम की निकालती हैं, मैंने अपनी गुल्लक आपने देखी होगी उसके अंदर पाती थी मैं हर महीने शकुंभरी माता के, मतलब कि मंदिर का भी जो पैसा इकट्ठा किया था वो भी ले गए, सारा ले जा चुके, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे कि गौर कलयुग आ गए, इस तरीके की तमाम चीजें, गौर से भी गौर कलयुग है बेटा, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। इस टाइम इंसान सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। कब आपको ये सूचना मिली थी बेटा? सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा। कैसे पता लगा था? कब आपको एकदम से सूचना मिली कि हम बेटा 5 बजे के आसपास हम रोपड़ गए हुए थे, वहाँ सो रहे थे, तो 5 बजे के आसपास फोन आया कि ऐसे ऐसे आपके ताले टूटे पड़े। यहाँ से कब लोग आप गए थे बाहर? हम कल यहाँ से 2:30 बजे गए थे, दोपहर 2:30 बजे के आसपास। कितना नुकसान हुआ होगा कम से कम बेटे? 8-9 लाख के आसपास होगा। सारी जमा पूंजी सब कुछ मिला के? हाँ जी, सारा मेरा जेवर जो भी कुछ है सब कुछ बेटा। कुछ क्या कुछ लगता है? नशा बढ़ गया है? मतलब कैसे बताऊँ, मेरे आपको 10 रुपये दो आंटी, मैं वो नहीं निकाल के दे सकती, मेरा कुछ भी नहीं छोड़ा। और दीवान सरका के उन्होंने अलमारियाँ खोली है, मेरी अलमारी बिना दीवान सरका कहीं ना कहीं माए बेटियों के लिए सपना सजाती है। हाँ जी, मेरी बेटी है ताई जी के यहाँ है, उसको यहाँ नहीं लेके आए, मेरी बेटी है उसके लिए मैंने बहुत कह रहे पति काफी वो है, मतलब कि एकदम सहम गए हैं, बहुत बेदनी स्थिति में है कहीं ना कहीं। आज के समय में 1 रुपया कमाना बड़ा मुश्किल है और दिक्कत का भी सामना करना। क्या कुछ लगता है आपको, नशेड़ी हैं, जुआरी हैं जो घूमते रहते हैं सड़कों पर? सर उन्हीं का ही काम है ये समैकिया वगैरह जो ये लेते हैं, आजकल आपको पता ही है सारी जगह टोटली फैला हुआ है, और उन्हीं का ही काम है ये, और किसी का काम नहीं है। बुरे हालात हो चुके हैं शहर के? हाँ जी, बहुत ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो हालात बुरे हैं और कहीं ना कहीं महिला है, और महिला के साथ साथ साफ एक मां का कहना होता है कि अपने घर में जो है सामान संजोकर रखती हैं और लाखों का सामान उड़ाकर चोर जो है सेंध लगाते हैं मकान में। बता दें रोपड़ शादी में गए थे, जिसके बाद ये पूरी घटना जो है यमुनानगर के जगाधरी से सामने आती है। और आप लोग देख सकते हैं कि मौके पर सामान तहस नहस बिखरा हुआ है, चाहे वो बच्चों के सामान की बात की जाए, चाहे वो ज्वेलरी बॉक्सेस की बात की जाए, कि सारे ज्वेलरी बॉक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं सामान उड़ाकर लेकर गए हैं। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। आप सभी को बता दें कि बेहद ही दयनीय स्थितियों में बना हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को दिखाने देंगे क्या कुछ करना। तो क्या कुछ हुआ था सुबह, क्या देखा आपने? सुबह जैसे ही मैं सो रहा था, मेरे पापा का फोन आया, सुबह दुकान का टाइम होता है, देखो हलवाई है, 5:30 बजे के करीब पापा चले जाते हैं दुकान खोलने। जैसे ही पापा का फोन आया कि उनके यहाँ के दरवाजे खुले हुए हैं, तो ऊपर से लाइटें जली हैं, तो मुझे लगा चाचा आ गए हैं ऊपर से, पर मैं एकदम से उठ के आया और मैं साथ ही बाहर देखा कि गाड़ी वगैरह खड़ी है या नहीं है, कुछ नहीं था। तो हमने अंदर आने की कोशिश करने से पहले हमने सारे पड़ोस को इकट्ठा किया कि सब मिलके एक बार अंदर जाएंगे, देखते हैं कभी अंदर कोई ना फोन ना हो, कि कुछ भी हो सकता है, किसी बंदे ने स्मैक हो, आपको पता ही है, पता नहीं हो, हथियार हो, चाकू बंदूक कुछ भी मार सकते हैं। तो हम 3-4 जने पड़ोस के मिलके अंदर आए, फिर हमने देखा तो ये सारा वाक्य हो रखा था। और हमने साथ ही पहले, उससे पहले पुलिस को फ़ोन कर दिया था, उससे पहले हम चौंकी में जा चुके थे, ऐसा हुआ था। बट स्मैक वगैरह इतना आम बात हो गई है, जैसे मुझे लगता है आटे से ज़्यादा तो स्मैक मिल रही है लोगों को, जो ऐसा कर करके ऐसा कर रहे हैं। जिले में SP जीवन पूंजी, पूरी जीवन पूंजी होती है किसी की। जिले में SP भी नहीं है, कार्यभार एडिशनल पर चल रहे हैं, और उसके बाद घटनाएं जो है काफी बड़ी है। क्या कुछ लगता है, ट्रेनिंग्स पर चले जाते हैं लेकिन पीछे से जो है कमान कहीं ना कोई संभालता नहीं है, और जिले के हार बुले हो रहे हैं, कुछ है? आप देखिए, इसकी नॉलेज आप लोगों को होगी कि वो कैसे संभालते हैं कैसे नहीं संभालते, ठीक है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं जी, ठीक है। हम पुलिस पे, प्रशासन पे विश्वास होता है, तो आम लोगों को करना पड़ता है। हाँ, अब ट्रेनिंग पे कोई भी जाए, भरना किसने, पूरी उम्र होगी, चाचा की उम्र 50 साल है, कितना उम्र होगी ने कमाते, और सारा खत्म हो गया, आप कैसे, अगर गुड़ी है उसके बड़ी होगी शादी करने, कैसे करेंगे सब, आप खुद सोचिए ना, इतना मतलब खुश नहीं था।
तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए बेहद दयनीय स्थिति होती है कि काफ़ी ज़्यादा जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, ज़िंदगी भर की कमाई चल जाती। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेहद ही स्थिति बद से बदतर होती हुई जिले की यमुनानगर की नज़र आती है। आप सभी से अनुरोध, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कारा सामान जो है लेकर फरफू चक्कर हो जाते हैं, खैर विश्वास दिलाया जा रहा है इनका सामान ज़रूर मिलेगा। मुझसे सारी क्राइम की भी घटनाएँ हो रही है, प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल विफल है, बिल्कुल फेल है, सारी तरीके से मतलब ये फेल है। और सरकार भी इसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है इस चीज़, क्योंकि अगर सरकार नज़रअंदाज, क्योंकि पता क्या है, जिसके घर में बीतती है ना उसको पता लगता है। सरकार ये जो पुलिस वाले आए हैं वो भी मिली भगत है ना, तो वो मतलब इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। अगर कोई भी चला जाता है, कोई बेचारा गरीब आदमी, अगर कोई शरीफ आदमी चला जाता है, तो उसको ये कहते हैं आप इसकी पहचान करो जी, आप हमें बताओ अगर आपके आपको पहचान में आते हैं, आप अगर हमें पहचान करनी होगी तो, अगर हमें पहचान करनी होगी तो फिर पुलिस वालों को किस बात की तनख्वाह मिल रही है, फिर तो हम ही पकड़ पकड़ के दे देंगे लोगों को। वो कहते हैं जी आप मौजूद आदमी हो, आप MC हो, आप देखो किसी से पूछो भाई आप लोगों को किस बात। नवीन कुमार जी और उनका परिवार कल अपने मकान को लॉक लगा के 1 तारीख को रोपड़ पंजाब में शादी में गया हुआ था। पीछे से रात को घर के बाहर से ताला लगा हुआ था, कोई नाम पता नाम मालूम शख्स ने आकर उनके घर में चोरी की है। रात की वारदात है और हमने सुबह जब वो आए उन्होंने देखा, उनके बयान भी केस हमने दर्ज कर दिया है, फिंगर प्रिंटिंग मौके पर बुला ली है और CCTV फुटेज हम निकलवा रहे हैं। उसमें जल्दी से जल्दी सर क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ चोरी हुआ है, कितना कुछ सामान घर का सामान है, कुछ गहने हैं, कुछ नकदी है, कुछ सर आज भी कहीं नाके लगाए गए हैं ताकि इस तरह की चोरी की घटनाएं जो हैं कम हो सके, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए उच्च अधिकारीगण के आदेशों के अनुसार आज भी हमारे सीलिंग प्लान थी 10 बजे 2 बजे पूरे शहर को सील करके सभी को नाकेबंदी करके चेक किया गया है जी। और पुलिस अपना काम बड़ी से कर रही है और जल्दी से जल्दी हम इनको भी चोरी करने वाले हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी कब्जा करके सराफों को पीछे पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सैम को दे दीजिए इजाज़त, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे B24 के साथ। और अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।